दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट न्यूज। क्रिकेट का महासंग्राम आईपीएल 2020 की शुरुआत 19 सितंबर से 10 नवंबर के बीच में यूएई में होगी, जिसमें कि अब ज़्यादा समय बाकी नहीं रह गया है। तो दोस्तों इसी वजह से आईपीएल 2020 से जुड़ी डेली बड़ी बड़ी अपडेट्स निकल कर आ रही हैं। दोस्तों आज भी आईपीएल 2020 से जुड़ी 5 बड़ी अपडेट्स निकल कर आ रही हैं, जिसके कि बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को जरूर अंत तक देखना, और अगर आप भी हैं क्रिकेट के फैंस और वेट कर रहे हैं आईपीएल 2020 का, तो कर दीजिए हमारी वीडियो को एक लाइक, और क्रिकेट जगत से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे से क्रिकेट न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। तो दोस्तों बात करूं आज की पहली न्यूज़ की, तो दोस्तों सबसे पहली न्यूज़ कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से निकल कर आ रही है। तो गाइज यहां कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से दो बड़ी अपडेट्स निकल कर आ रही हैं। तो गाइज बात करूं पहली अपडेट की, तो दोस्तों ये अपडेट निकल कर आ रही है अंडर रसल की तरफ से। तो गाइज जैसा कि आप जानते ही हैं कि अंडर रसल का आईपीएल में कितना शानदार प्रदर्शन रहता है, पर दोस्तों इस बार अंडर रसल केकेआर की प्लेइंग 11 में नहीं है, और दोस्तों इसकी अनाउंसमेंट कल केकेआर के कप्तान ने कर दी है। दोस्तों इसका कारण ये है कि अंडर रसल के एक पैर में फ्रैक्चर हो गया है, और उनको रिकवरी में भी अभी बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। और दोस्तों जैसे कि आप जानते ही हैं कि आईपीएल को अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, तो दोस्तों इसी कारण इस बार अंडर रसल हमें कई मैचेस में दिखाई नहीं देने वाले हैं। तो दोस्तों ये केकेआर की टीम के लिए एक बहुत बड़ा खतरा साबित होने वाला है। तो दोस्तों ये थी आज की पहली बड़ी खबर। वहीं दोस्तों बात करूँ आज की दूसरी बड़ी खबर की, तो दोस्तों ये खबर भी निकल कर आ रही है सीपीएल से कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए। तो दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स के सुनील रैन भी केकेआर की प्लेइंग 11 में शामिल नहीं हैं। तो दोस्तों सुनील रैन के लिए भी यहां रिपोर्ट्स निकल कर सामने आ रही हैं कि सुनील की जो हेल्थ है वो कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। उनको यहां पर थोड़ा जुखाम और बुखार हुआ है, जिसके कारण वो यहाँ प्लेइंग 11 में शामिल नहीं हुए हैं। तो दोस्तों जैसा कि वो इनको रिकवर कर लेते हैं, वो यूएई के लिए रवाना हो जाएंगे और केकेआर की टीम को ज्वाइन कर लेंगे। तो दोस्तों ये खबर केकेआर के फैंस के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि सुनील रैन भी सीपीएल में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। तो दोस्तों ये थी आज की दूसरी बड़ी खबर। वहीं दोस्तों बात करूं आज की तीसरी बड़ी खबर की, तो दोस्तों ये खबर है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की तरफ से। तो दोस्तों आरसीबी के केन रिचर्डसन आईपीएल 2020 से अपना नाम वापस ले चुके हैं, यानी अब वो आईपीएल 2020 से पूरी तरह से बाहर हो चुके हैं। अब वो यूएई भी नहीं जाएंगे और ना ही आरसीबी की टीम को ज्वाइन करेंगे। तो दोस्तों जैसे ही केन रिचर्डसन ने अपना नाम वापस लिया, वैसे ही आरसीबी ने उनकी रिप्लेसमेंट में ऑस्ट्रेलिया के एडम जंपा को अनाउंस कर दिया है। तो दोस्तों ये थी आज की तीसरी बड़ी खबर। वहीं दोस्तों बात करूं आज की चौथी बड़ी खबर की, तो दोस्तों ये खबर है बीसीसीआई की तरफ से। तो दोस्तों बीसीसीआई ने अनाउंसमेंट कर दी है कि आईपीएल 2020 का पहला मैच मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच में हो सकता है। उन्होंने इसकी 80% चांसेस रखे हैं, क्योंकि दोस्तों जैसा कि आप जानते ही हैं कि आईपीएल 2020 का पहला मुकाबला एमआई और सीएसके के बीच में होने वाला था, और एक हफ्ते में सीएसके के दो मुकाबले होने वाले थे, लेकिन अब पहले वीक में सीएसके का एक भी मुकाबला नहीं होने वाला है। तो दोस्तों बीसीसीआई ने अब ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि फर्स्ट मैच एमआई और आरसीबी के बीच में ही होने वाला है। तो दोस्तों ये थी आज की चौथी बड़ी खबर। वहीं दोस्तों बात करूं आज की आखिरी और पांचवी बड़ी खबर की, तो दोस्तों ये खबर है चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से। तो दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स के जो 13 सदस्य है कोरोना पॉजिटिव आए थे, वो 13 के 13 सदस्य कोरोना नेगेटिव आ गए हैं। तो दोस्तों ये चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी साबित होने वाली है। तो दोस्तों ये थी आज की पांच बड़ी खबरें, जिसके कि बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल क्रिकेट न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।